हेलो स्टूडेंट्स, अब तक देखिए हमने एरर के बारे में बात की, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, और वो कैसे फाइंड करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग हमने इलस्ट्रेशन की भी बात ऑलरेडी कर ली है, ठीक है। अब जो आज हम बात करने वाले हैं दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, दैट इज़ इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, कभी भी सपोज आपने ऐसा किया कि किसी भी ऐसा कुछ मैटर है और उसकी डेंसिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी डेंसिटी आपको फाइंड करनी है। तो अगर आपने मास जब फाइंड किया है और वॉल्यूम की अगर कैलकुलेशन की है, तो अगर उसमें एरर है तो उसका मतलब ये आएगा कि जब डेंसिटी आप फाइंड करोगे तो उसमें भी कुछ एरर होगी और वो कंबाइन हो जाएगी, मतलब मास की एरर और वॉल्यूम की एरर, सॉरी, दोनों क्या हो जाएगी, कंबाइन, टोटल उतनी एरर उसमें अकर होगी, ठीक है। तो अब हमें बात करनी है कि इसके अकॉर्डिंग क्या क्या रूल्स है, क्योंकि मैथमेटिकल कई सारी ऐसी हम प्रोसेस करते हैं, जैसे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब अगर दो क्वांटिटीज़ है तो उनका हम प्रोडक्ट निकालते हैं, कोशेंट निकालते हैं, है ना। तो ये सारी जब प्रोसीजर होती है तब उसमें जो एरर होती है, एरर की वजह से हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या उसमें प्रॉब्लम हो सकती है या फिर रिजल्टेंट एरर क्या हो सकती है, इसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की अगर बात करते हैं तो पहली चीज़ हम बात करेंगे फॉर एडिशन, ठीक है, पहले ओके अगर एडिशन की बात करें, सपोज़ ऐसा हुआ कि अगर एक मैंने ऐसा किया कि एक पर्सन को बोला कि आप जो है यहाँ पर कोई मेरे पास सपोज़ रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ फाइंड करो और ब्रेथ फाइंड करो और टोटल दोनों का निकाल दो, लेंथ प्लस ब्रेथ, ऐसा करना है। सपोज़ उसने ऐसा किया कि लेंथ थी वो 2 ± 0.2 मीटर, इतनी फाइंड की, और ब्रेथ थी दैट इज़ 1 ± 0.1 मीटर, इतनी बताई, ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी यूनिट में आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने इन दोनों का एडिशन किया तो आप इजीली बोल दोगे कि 2 + 1 दैट विल बी 3, और एरर जो है 0.2 और 0.1 दे आर एरर्स, है ना। तो एरर का क्या करना है, यहाँ पर एडिशन करना है। सपोज एडिशन होगा तो आप बहुत इजीली बोल दोगे कि हाँ एडिशन है दोनों के बीच में, तो आप दोनों एरर को ऐड कर दो। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन की बात हुई तो क्या रूल लगेगा, तो ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है, पहले हम एडिशन से ही सिंपली स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर मेरे पास दो क्वांटिटीज़ है, वन इज़ ए एंड सेकेंड इज़ बी, अगर ए की बात करते हैं तो ए में अगर डेल्टा ए जितनी एरर है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, और सेकेंड क्वांटिटी जो बी है तो बी प्लस और माइनस डेल्टा बी आप लिख सकते हो, ओके। अगर आप दोनों के एडिशन की बात करते हो तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू, अगर ए प्लस बी है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रिजल्टेंट में जो एरर आएगी दैट विल बी जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, ऐसे हम ए की एरर लिखते हैं अगर, तो ए प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस और माइनस डेल्टा बी, इसी को हम रीअरेंज करते हैं। और ए और बी को अगर मैं साथ में लिख रही हूँ तो ए प्लस बी को साथ में ले लिया, प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी, ऐसा हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ ए प्लस बी इज इक्वल टू हम जेड लिख सकते हैं, दोनों साइड से जेड जो है वो कैंसल आउट हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर जो रिजल्टेंट मिला, अगर मैक्सिमम उसकी वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ है, दोनों का अगर एडिशन हो रहा है, तो अगर हम बात करें रिजल्टेंट जो हमें ये जो मिली है दैट इज़ एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो रिजल्टेंट एब्सोल्यूट एरर कैसी होती है, तो दोनों की इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का अगर आप एडिशन करोगे उतनी होगी। तो अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें 0.2 एंड 0.1 इतनी एरर थी एब्सोल्यूट एरर, तो रिजल्टेंट एरर कितनी हो जाएगी, 0.2 प्लस 0.1 दैट विल बी 0.3, ओके। तो बहुत ही सिंपल रूल है यहाँ पर कि अगर दो क्वांटिटीज़ का एडिशन होता है तो रिजल्टेंट ये हमारी एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, तो ए की एरर प्लस बी की एरर, दोनों की एब्सोल्यूट एरर जो है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, सम लेना पड़ेगा।
सेम ही रूल हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी लगा सकते हैं। सपोज दो क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो अगर हम लिखते हैं जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो आप ऐसे लिखो कि जेड को एरर के आप साथ लिखो, तो जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस और माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी रीअरेंज कर दिया, प्लस और माइनस डेल्टा ए, और यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस, उसको ही मैं प्लस और माइनस ही लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये क्वांटिटी फिर से z हो जाएगी, दोनों साइड z एंड z कैंसल आउट, तो मैक्सिमम यहाँ पर फिर से हमें यही रिजल्ट मिला, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट जो एरर आएगी, एब्सोल्यूट एरर, वो कितनी होगी, दोनों की एब्सोल्यूट एरर को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक लेंथ आपको ऐसी दी हुई है 3 प्लस और माइनस 0.3 मीटर, और सेकेंड लेंथ आपको दी हुई है 2 प्लस और माइनस 0.2 मीटर, अगर आपको बोला है दोनों का एडिशन करो, तो L1 प्लस L2, इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसका डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा 3 प्लस 2 दैट विल बी 5, और यहाँ पर जो एरर है उसका भी हमें एडिशन करना है इस रूल के हिसाब से। ऐसे ही अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करते हो, तो L1 माइनस L2 की अगर हम बात करें तो 3 माइनस 2 दैट विल बी 1, और अगर हम बात करते हैं तो एरर जब उसका भी क्या होगा, यहाँ पर दोनों के बीच के सब्ट्रैक्शन का रिलेशन होने के बावजूद भी यहाँ पर दोनों का क्या करना पड़ेगा, एडिशन ही होगा। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ओके। तो ये रूल्स हो गए फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों सेम ही चीज़ यहाँ पर है, ओके। समझ में आ गया आपको ये चीज़, तो ये बात थी हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर प्रोडक्ट, अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं और दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होगा, तो उसके लिए अगर हम बात करें, सपोज़ फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ कि मेरे पास कोई रेक्टेंगल है, उसकी मुझे लेंथ पता है और ब्रेथ पता है, ठीक है। अगर दोनों के मेजरमेंट में कुछ एरर होगी, तो जब हम उसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करना पड़ेगा, तो दो जब हम एरिया निकालेंगे तो उसमें दोनों की वजह से क्या रिजल्ट में प्रॉब्लम आएगी, वो चीज़ हमें फाइंड करनी है, मतलब एरर कैसे फाइंड करोगे। तो अब हमारा रूल किस चीज़ के लिए है, फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है ए एंड बी, तो दोनों का अगर प्रोडक्ट होता है तो फिर क्या हो जाएगा, अगर हम एरर के साथ लिखते हैं उसे, तो ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। देखिए मल्टीप्लिकेशन का रूल है, उसके हिसाब से ए को बी से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को डेल्टा बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐसे ही डेल्टा ए को बी से, दैट मीन्स बी प्लस और माइनस डेल्टा ए, फिर डेल्टा ए और डेल्टा बी को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा रिजल्टेंट ऐसा मिल गया, जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा आंसर है उसको हम कैसे बोलेंगे, यहाँ पर लास्ट स्टेप देखिए डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, यहाँ पर डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, तो एरर है, एरर बहुत ही कम होती है, तो उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दोनों एरर का आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, मतलब प्रोडक्ट निकालोगे, तो वो आपका आंसर बहुत ही मिनिमम होगा। देखिए सपोज एक वैल्यू जो है वो है 0.01 और दूसरी भी वैल्यू है वो है 0.02 सपोज। अब अगर आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आंसर बहुत ही स्मॉल आएगा, है ना, बहुत ही छोटा आएगा, तो उसको आप यहाँ पर वो ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको आप निग्लेक्ट कर सकते हो। देखिए फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास सपोज़ मेरे पास कोई क्वांटिटी ऐसी है कि उसकी वैल्यू कुछ 10,000 है, और उसमें अगर मुझे ऐड करना है 0.00001, तो देखिए अगर आप 10,000 में 0.00001 ऐड करोगे, तो आपका रिजल्टेंट जो आंसर आएगा वो 10,000 में और उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा, तो उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं 0.0001 को, ठीक है। ऐसे ही अगर उसको उस क्वांटिटी को मुझे माइनस करना है 10,000 में से, तो भी हमारे आंसर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास बहुत ही छोटी अगर अमाउंट है,
तो उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में उसको निग्लेक्ट आप कर सकते हो। यहाँ पर भी ये तीनों जो हमारे पास वैल्यूज़ होगी उनकी कंपेयर में ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर बहुत ही छोटा होगा, तो इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन ऑलवेज याद रखना, आप कभी भी जो बहुत ही छोटी अगर अमाउंट है आपके पास, तो उसको प्रोडक्ट में या फिर डिवीजन में जब ले रहे हो, क्वेश्चन ले रहे हो आप, तो तब उसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप सोच सकते हैं ऐसे, सपोज 100 है और अगर उसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 0.0001 से, तो आपका आंसर बहुत ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 100 में इतनी ही वैल्यू ऐड कर रही हूँ तो आपके आंसर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए आपको आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो इससे या फिर डिवाइड कर रहे हो, तो आपका रिजल्टेंट आंसर बहुत ही चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि ऑलवेज जब भी आप किसी भी चीज़ को अगर आप निग्लेक्ट करते हो तो वो कैसी होनी चाहिए, या तो एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में हो तो ही उसको आप निग्लेक्ट करोगे। ओके, तो यहाँ पर इसको हमने निग्लेक्ट कर दिया, तो ये रिजल्टेंट अब क्या बचा हमारे पास, z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए बी प्लस और माइनस ए डेल्टा b प्लस और माइनस b डेल्टा a। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें ये पूरी जो हमारी इक्वेशन है उसको z इज इक्वल टू ए बी से डिवाइड करना है। दैट मीन्स यहाँ पर लेफ्ट साइड z से डिवाइड करोगे, राइट साइड ए बी से, तो हर एक स्टेप को आप डिवाइड करो z से, तो आपका स्टेप क्या होगा, देखिए इसको भी z से डिवाइड किया, राइट साइड पूरा ए बी से डिवाइड करना है, a इंटू बी से। ठीक है, तो इसको a इंटू बी से आप डिवाइड करो और इसको भी a इंटू बी से डिवाइड करो, ये क्या हो जाएगा z बाय z, दैट विल बी 1, और यहाँ पर क्या आएगा डेल्टा z बाय z, इसका भी 1 हो जाएगा आंसर। यहाँ पर a और a कैंसिल आउट, दैट मीन्स डेल्टा b बाय b, और यहाँ पर b और b कैंसिल आउट हो जाए तो डेल्टा a बाय a। अगर आप 1 और 1 को भी कैंसिल आउट कर देते हो तो देखिए यहाँ पर रिजल्टेंट मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। मैंने मैक्सिमम वैल्यू ली है इसलिए उसमें प्लस ही लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ है, दोनों का अगर आप प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो ये रिलेटिव एरर है ना, तो यहाँ पर ये एरर जो है वो कितनी आ जाएगी, डेल्टा z बाय z दोनों की एरर का क्या करोगे आप, एडिशन इतनी होगी। तो ये रूल जो है वो प्रोडक्ट के लिए हमने लिया है। ठीक है, सेम ऐसे ही हम कोशेंट के लिए भी बात कर सकते हैं, उसकी जो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, ऐसी कैलकुलेशन जो है वो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, क्योंकि थोड़ा उसमें कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए तो ऐसे ही आपको मैं समझा देती हूँ। लेकिन मैं आपको अभी याद करने के लिए बोल सकती हूँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम ही रूल अप्लाई होता है कि किसी भी दो क्वांटिटीज़ का अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो रिजल्टेंट एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, तो दोनों की एब्सोल्यूट एरर का क्या करोगे आप, एडिशन उतनी होगी। इंडिविजुअल एरर दोनों की एब्सोल्यूट एरर जो होती है इंडिविजुअल, उसका आप सम निकालोगे उतनी टोटल एब्सोल्यूट एरर मिलेगी। और ऐसे ही अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हो दो क्वांटिटीज़ क्या, या फिर क्वोशंट ले रहे हो, तो रिजल्टेंट ये कौन सी क्वांटिटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी एरर बोलते हैं इसको, दैट इज़ रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कितनी होगी, तो दोनों की रिलेटिव एरर का क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल रिलेटिव एरर का एडिशन करना पड़ेगा, इतनी टोटल एरर यहाँ पर अगर होगी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट के लिए रूल हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे क्वोशंट के लिए। देखिए यहाँ पर सपोज मैंने ले लिया z इज इक्वल टू ए बाय बी, इसको भी फिर से हम लिख रहे हैं विथ एरर। ठीक है, और b प्लस और माइनस डेल्टा b। देखिए यहाँ ऊपर से यहाँ से a को मैंने अगर कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस और माइनस डेल्टा a बाय a, और नीचे क्या हो जाएगा, अगर b को कॉमन निकाला तो 1 प्लस और माइनस डेल्टा b बाय b। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर है z प्लस और माइनस डेल्टा z। अब आपको पता है a बाय b इज इक्वल टू z, तो अगर इसको हम z लिखते हैं तो z और z, यहाँ पर z है, फिर से मैं लिख रही हूँ z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, ये हमारा आंसर जो हो गया दैट विल बी z इंटू, यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस और माइनस डेल्टा a बाय a, और ये पूरी क्वांटिटी को अगर आप ऊपर लिखते हो
तो आंसर आ गया 1 प्लस और माइनस डेल्टा बी बाई बी, उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहे हैं ए बाई बी से, पहले ये चीज़ कर लेते हैं, इसको पहले डिवाइड कर देते हैं जेड इज इक्वल टू ए बाई बी से। ओके, तो डिवाइड बाय जेड इज इक्वल टू ए बाई बी, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जेड से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, वन। ठीक है, प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाय जेड, फिर इसको ऊपर बाद में ले जाते हैं। ठीक है, ठीके? और यहाँ पर a बाई बी से डिवाइड करोगे तो a बाई बी कैंसल आउट हो गया, बाद में क्या बचा, 1 प्लस और माइनस डेल्टा a बाई ए, और इसकी पावर क्या मिल जाएगी, डेल्टा b बाई बी की पावर हो गई माइनस वन। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम बाइनोमियल जो हमारे पास रूल है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। देखिए उसमें क्या करना है कि आपको बहुत, मतलब सपोज ऐसा लिखा है 1 प्लस और माइनस एक्स रेस टू माइनस एन, तो इसका मतलब ये होगा 1, फिर ये पावर को यहाँ अगर आप डाल दोगे तो माइनस प्लस एन एक्स ऐसा लिखना है, फिर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ऐसी बहुत सारी ज़्यादा पावर वाली, एक्स की दो से ज़्यादा पावर वाली आगे जो है वो उसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एक ही चीज़ याद रखनी है, फिजिक्स में हम ऑलवेज क्या करते हैं कि अगर क्वांटिटीज़ बहुत ही छोटी होती है, सपोज़ यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको ये जो एक्स जो होता है ये टर्म, इसकी वैल्यू बहुत ही कम है, तो ज़्यादा उसकी स्क्वायर क्यूब करोगे तो आपकी, आपका जो आंसर है बहुत ही छोटा होता जाएगा, तो उसको हम निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ फर्स्ट टू स्टेप को ही आपको कंसिडर करना है। इसका सिंपल लॉजिक इतना ही लगा दो आप कि ये जो पावर है इसको यहाँ पर सेट कर दो। ठीक है, तो ये माइनस वन है तो पावर इसको यहाँ पर सेट कर दोगे आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइनस प्लस आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो है वो ऐसे बन जाएगा, ये था 1 प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए बाय ए, यहाँ पर जो पावर है वो यहाँ पर अगर लगा देते हैं तो 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी, ये हो गया। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर 1 को डेल्टा बी बाई बी से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मैं प्लस माइनस ही लिख रही हूँ, डेल्टा बी बाई बी, फिर डेल्टा ए बाई ए को भी मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, और लास्ट टर्म होगी आपकी डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। और पहले भी हमने बात की थी कि ये टर्म बहुत ही छोटी होगी तो इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो, और बोथ साइड से यहाँ पर 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो हो गया हमारा आंसर डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ का अगर प्रोडक्ट लेते हो या क्वोशंट लेते हो तो दोनों ही केस में क्या होगा, टोटल रिलेटिव एरर कितनी होगी, तो इंडिविजुअल रिलेटिव एरर का क्या करना पड़ेगा, एडिशन, इतनी टोटल एरर आपको मिलेगी। आपको मैं एक दो एग्जांपल दे रही हूँ तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। देखिए सपोज मेरे पास, फिर से मैं वही एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरे पास रेक्टेंगल है, उसकी मुझे लेंथ और ब्रेथ दोनों ही पता है। सपोज लेंथ है उसकी दैट इज 3 प्लस और माइनस 0.3 मीटर, एंड उसकी जो ब्रेथ है वो है 2 प्लस और माइनस 0.2 मीटर। सपोज मैंने ऐसे ले ली, मुझे क्या करना है, इसका एरिया चाहिए, एरिया इज इक्वल टू आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो अभी आपको जो एरिया जो मिलेगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ ही है, लेकिन जब कोई भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो उसका जो आंसर है, सपोज एरिया मुझे यहाँ से फाइंड करना है तो एरिया का आंसर मुझे किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए में। अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेथ कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ एरिया का ये वाला आंसर ही मिलेगा, है ना, ट्रू वैल्यू ही मिलेगी, लेकिन डेल्टा ए नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही चीज़ आपको यहाँ पर सीखनी है। तो उसके पहले अगर मैं इसको बोलूँ कि जैसे हम किसी भी क्वांटिटी को ऐसे लिखते हैं ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, बी प्लस और माइनस डेल्टा बी, तो यहाँ पर भी यहाँ पर लिख सकते हैं इसको एल प्लस और माइनस डेल्टा एल, और इसको क्या बोलेंगे, बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। तो अगर यहाँ पर जब हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, मतलब 3 इंटू 2 होगा, दैट विल बी 6 मीटर स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, डेल्टा ए चाहिए हमें। तो हमें पता है कि अगर आपके पास ऐसी फॉर्मूला थी कि z इज इक्वल टू ए इंटू बी था, तो आपने क्या लिखा, उसके अकॉर्डिंग रिलेटिव एरर क्या मिली, डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू
डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो ए इज इक्वल टू एल इंटू बी है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, अब सारी वैल्यू जो हमें पता है इसमें हमें रखनी है। तो देखिए डेल्टा ए बाय ए की वैल्यू क्या है, 6 है तो मैं 6 लिख रही हूँ, इज इक्वल टू डेल्टा एल कितना है हमारे पास 0.3 और एल की वैल्यू है 3 प्लस डेल्टा बी की वैल्यू है 0.2 और बी की वैल्यू है 2। यहाँ सभी वैल्यूज हमें दी हुई है, तो देखिए इसका इसको डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 0.1 और इसका भी 0.1। तो डेल्टा ए बाय 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 0.2। तो लिख सकते हो आप डेल्टा ए बाय 6 इज इक्वल टू 0.2, दैट मीन्स डेल्टा ए इज इक्वल टू 6 से इसको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ गया 1.2 मीटर स्क्वायर। तो अब आप आंसर लिख सकते हो ए प्लस और माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या होगा आपका आंसर 6 प्लस और माइनस 1.2 मीटर स्क्वायर। तो आप इसको आंसर ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको परसेंटेज में लिखना है तो परसेंटेज एरर कितनी होगी, डेल्टा ए परसेंटेज में लिखना है तो क्या हो जाएगा डेल्टा ए बाय ए दैट मीन्स 1.2 बाय 6 राइट मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो आप सोच सकते हो 6 टू जै 12 तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट मीन्स 20% इतनी उसमें क्या है एरर है। अगर आपको डायरेक्टली यहाँ से लिखना है तो भी आप लिख सकते हो, मैंने गलत लिखा है यहाँ पर 0.02 आएगा ना, तो 2% आपका आंसर राइट है 6 टू जै 12 है ना। तो यहाँ पर जो है आपका जो आंसर है आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, देख लेना आप कितना आता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से भी डायरेक्टली अगर डेल्टा ए बाय ए आपको फाइंड करना है परसेंटेज में तो यहीं से भी डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो, दैट मीन्स 0.1 इंटू 0.1 दैट विल बी 0.2। तो डेल्टा ए बाय ए यहाँ से डायरेक्टली आप लिख सकते हो डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू क्या हो गया 0.2 और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो, मतलब यहाँ पर मैंने सही लिखा था पहले 20%। ओके, तो 20% आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों ही तरह से आप ये चीज़ फाइंड कर सकते हो। अगर आपको सेम चीज़ आपको पूछी गई है, अगर डेंसिटी के बारे में मास दिया है, वॉल्यूम दिया है और डेंसिटी के बारे में पूछा है, तो सेम मेथड से आप फाइंड कर सकते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और उसके हिसाब से पहले ये चीज़ फाइंड हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या करना है उसको डेल्टा रो फाइंड करने के लिए सेम मेथड पर आपको जाना पड़ेगा। तो आप अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन या क्वेश्चन दोनों में से किसी भी चीज़ को दिया हुआ है तो सेम रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। ओके, और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, अगर कोई क्वांटिटी का पावर दिया है और उसको एरर में अगर आपको दिखाना है, तो सपोज़ जेड इज इक्वल टू ऐसा दिया है ए क्यूब का मतलब हुआ ए इंटू ए इंटू ए, तो ये प्रोडक्ट वाली यहाँ पर रूल लगेगी, दैट मीन्स डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए, दैट मीन्स 3 टाइम डेल्टा ए बाय ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी अगर जो क्वांटिटी है उसका अगर आपको पावर दिया है तो आपको कैसे करना है, उसकी जो रिलेटिव एरर होगी उसको पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर ऐसे मिल जाएगा। सपोज ऐसा कुछ दिया है, कॉम्बिनेशन है, सपोज ऐसा दिया है ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई अपॉन सी रेस टू कुछ पी लिख रही हूँ मैं, तो इसको कैसे लिखोगे आप डेल्टा जेड बाय जेड, और एक लिख दूँ डी रेस टू क्यू लिख लो। ठीक है, तो डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगी पावर है, मीन्स पावर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स इंटू डेल्टा ए बाय ए, फिर दोनों के बीच में प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा, फिर y डेल्टा b बाय बी ये क्वोशंट में है तो क्या होगा यहाँ पर प्लस p डेल्टा c बाय सी प्लस q डेल्टा d बाय डी। अगर आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि इतना परसेंट इसकी एरर है तो वो यहाँ पर रख देना, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये जो सारे रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, तो बहुत ही इजीली ये सारी चीज़ें आप सॉल्व कर पाओगे। उसके लिए अगर हमें टेबल बनाना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले अगर एडिशन के लिए रूल लिखना है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर सब्ट्रैक्शन के लिए लिखना है तो हमारा रूल सेम ही था, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। थर्ड वन, अगर मल्टीप्लीकेशन के लिए रूल लिखना है तो लिखेंगे
रिलेटिव एरर डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। अगर कोशेंट के लिए लिखना है तो जेड इज इक्वल टू अगर ए बाय बी दैट मीन्स सेम ही रूल लगेगा डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। अगर पावर की बात कर रहे हैं जेड इज इक्वल टू सपोज ए रेज टू मैंने एक्स लिख लिया तो हम लिख सकते हैं डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू एक्स इन टू डेल्टा ए बाय ए। ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन है पूरा कि ए रेज टू एक्स बी रेज टू वाई सी रेज टू पी डी रेज टू क्यू तो क्या लिखना है हमें डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू एक्स इन टू डेल्टा ए बाय ए प्लस वाई इन टू डेल्टा बी बाय बी प्लस पी इन टू डेल्टा सी बाय सी प्लस क्यू इन टू डेल्टा डी बाय डी। ठीक है, तो इतना अगर आपको याद होगा तो बहुत ही ईजीली आप एम सी क्यूज भी सॉल्व कर पाओगे।